वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सीना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आई हूँ गुलमर्ग। सो आप सबको पता है कि मैं श्रीनगर घूमने आई हूँ और गुलमर्ग कवर ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप गुलमर्ग कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ है, आपको यहाँ पे कितना खर्चा होगा, एक छोटी से छोटी डिटेल आपको इस वीडियो में पता लगेगी। तो बस वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड इन केस किसने मेरे पहले व्लॉग्स नहीं देखे हैं जो कि थे कि हाउ टू रीच श्रीनगर इन बजट एंड लोकल साइट सीइंग के क्या प्लेसेस है श्रीनगर में, तो ये दो व्लॉग्स पहले मैं बना चुकी हूँ, वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई से कि पहले वो वीडियो सब जरूर देखना, फिर आप ये गुलमर्ग का व्लॉग पूरा देख सकते हैं। बाय द वे ये जो टाइम है ये है दिसंबर का और यहाँ पे अभी बहुत ठंड है, आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे कपड़े पहने हैं। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखें एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन गुलमर्ग से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो माय लवली पीपल, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने श्रीनगर टू गुलमर्ग जाना है बाय शेयरिंग टैक्सी। एक्चुअली मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं पूरी प्राइवेट टैक्सी मैंने नहीं बुक करी थी, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी का फेयर्स कम से कम 3000 से लेके 3500 तक तो है ही है, तो मैं पूरी टैक्सी बुक नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन चूज करा श्रीनगर टू गुलमर्ग पहुँचने के लिए। अब श्रीनगर टू गुलमर्ग पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट आपको शेयरिंग टैक्सी नहीं मिलेगी, आपको बीच में चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या पूरा प्रोसेस है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप भी ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन चूज करना चाहते हैं जब भी आप श्रीनगर आएंगे और गुलमर्ग पहुँचने के लिए। तो आपका जो भी होटल या हाउस बोट की जगह होगी वहाँ से आपको सबसे पहले पहुँचना है बटमालू, एंड बटमालू से आप जाएंगे टंगमग, एंड टंगमग से आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी गुलमर्ग की। तो ये पूरा शेयरिंग प्रोसेस है। बटमालू से शेयरिंग टैक्सी आपकी टंगमग तक लेती है 100 रुपीज़, एंड वहीं से टंगमग से आपको डायरेक्ट टैक्सी मिलती है शेयरिंग में ही गुलमर्ग की, जो लेगी 100 रुपीज़। तो टोटल आपके 200 रुपीज़ लगेंगे गुलमर्ग पहुंचने के लिए। बड़े आराम से आप पहुंच सकते हैं गुलमर्ग सिर्फ 200 रुपीज़ में। बस आपको अपने होटल वाली लोकेशन से बटमालू पहुंचना है पहले, एंड देन फिर बटमालू से टंगमग, एंड टंगमग से आप सीधा पहुँचेंगे गुलमर्ग। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में श्रीनगर से इस तरह पहुँच गई थी गुलमर्ग। सो अभी जो आप लोकेशन देख रहे हो ये टंगमग है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, कुछ शॉप्स मिलती है कि अगर आपके शूज़ कंपैटिबल नहीं है स्नो में जाने के लिए तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ पे ग्लव्स लेना चाहते हैं या शूज़ लेना चाहते हैं स्नो वाले, तो वो ले सकते हैं। सो पीपल, ऊपर गुलमर्ग जाने से पहले ही पूरी तैयारी हमने कर ली है, मतलब नीचे की मैंने पूरे शूज़ पहन लिए बिकॉज ऊपर स्नो बहुत ज़्यादा होएगी, और ग्लव्स ले लिए। जैकेट तो मैं खुद ऑलरेडी लेके आई थी, मैंने परचेज की थी, ये बहुत मोटी जैकेट है। नीचे मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं कि मैं क्या बताऊँगा, इतने सारे कपड़े हैं कि देखो अभी तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, जो कि अच्छी बात है, तभी हम एंजॉय कर पाएंगे। तो देखिए मच नीडेड है ही है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, तो जो भी टैक्सी से आप आ रहे होंगे या अपनी गाड़ी से आ रहे होंगे आपको ये शॉप्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे नीचे शूज़ और ग्लव्स लेना ना। गाइस, अब टंगमग से गुलमर्ग तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो बस अब आप इन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। चुके हैं गुलमर्ग। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रही हूँ गंडोला की टिकट लेने, गंडोला राइड की। सो गाइस, यहाँ पे बर्फ़ देखने को तो मिल गई, बहुत बर्फ़ है, और अभी गंडोला राइड करेंगे। सबसे पहले फेज़ 1 की टिकट मैं लूँगी, एंड आई थिंक
फेस वन पे पहुंच के ही फेस टू की टिकट ले सकते हैं, बट मेरा प्लान अभी सिर्फ फेस वन करने का है बिकॉज ऑलरेडी बहुत बर्फ मिल जाएगी एंड वही चाहिए। तो इन केस आपको प्राइस पहले बताती हूँ मैं कि फेस वन और फेस टू का कितना प्राइस है। और यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर है, ठंड बहुत है लेकिन बहुत ठंड है, इतने कपड़े पहनने के बावजूद भी बहुत ठंड लग रही है। आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मैं यहाँ पे रात को स्टे नहीं करने वाली गुलमर्ग में, मैं वापस ही जाऊँगी श्रीनगर। तो होटल यहाँ पे बुक ना करने का रीज़न क्या था, वो ये था यहाँ पे एक तो मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस होटल का पर नाइट का वो है 4,000 to 5,000, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो प्राइसेस भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो 4,000 to 5,000 या 5,000 to 6,000 में आपको बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे आपको रूम मिलेगा एंड प्राइसेस कैन गो अप टू द स्काई इज़ द लिमिट, और क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पे नई बुकिंग की थी। दूसरा रीज़न ये भी था कि यहाँ पे ठंड बहुत होती है रात को, तो यहाँ पे रात को रुकने का कोई फन नहीं है, बस यहाँ पे आओ मस्ती करो एंजॉय करो एंड देन बैक टू श्रीनगर। गाइस कंडोला के प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे गाइड्स अप्रोच करेंगे कि आप मुझे साथ ले जाओ, मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ घूमने के लिए, तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है। गाइस वैसे तो गाइड नहीं लेना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली क्या करना गाइड लेके, क्या मतलब क्या हेल्प करोगे आप मेरी, तो खुद अकेले जा सकते हैं? आप जा सकते हैं, मेरे से आपको नॉलेज मिल जाएगा कौन सी जगह किस जगह पे है। अच्छा ओके, नहीं प्राइस बहुत ज़्यादा है भैया, 600 रुपये तो बहुत ज़्यादा होगा। 800 गवर्नमेंट रेट चलेंगे, कोई बात नहीं फिर भी। और गाइस मैंने तो इनको भैया को मना किया था कि मैं आपको नहीं हायर कर रही हूँ, मैं आप मेरे साथ मत चलो, लेकिन ये मेरे साथ चलते ही जा रहे हैं कि नहीं आपको मैं दिखा दूंगा ये सब कुछ, बट मेरे को गाइड नहीं करना था। और इन्होंने मुझे यहाँ तक पूरी गंडोला वाली लाइन तक फॉलो किया, तो यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं आपका नंबर पहले लगा दूंगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लाइन में आपको घंटा लग जाएगा, बट मैंने मना करती रही कि मैंने नहीं करना है आपको, आप देखिए आगे क्या होता है। सो गाइस जैसे वो गाइड वाले भैया क्लेम कर रहे थे कि आपको घंटा लग जाएगा इस लाइन में, बिलीव कीजिए मुझे हार्डली 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे इस लाइन में, और मेरा नंबर आ गया था। तो बेसिकली लाइन बहुत फास्ट चलती है यहाँ पे, तो आपको कोई मतलब प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है कि आपको फटाफट वो निकाल देंगे और आपको यहाँ पे घंटा वेस्ट होगा, हार्डली 10 से 15 मिनट के बीच में मेरा नंबर आ गया था। और अब इंजॉय कीजिए आप इस गंडोला राइड के व्यू। तो मैं पहुंच चुकी हूं फेस वन में, और वहां पे गाइड ने कन्विंस करने की बड़ी कोशिश की कि आप कर लो, बट मैं नहीं कन्विंस हुई क्योंकि गाइड की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। वो जो लाइन थी इतनी बड़ी आप देख रहे थे, वो हार्डली 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, बहुत फास्ट चलती है वो लाइन। तो अभी हम हैं फेस वन में, और यहाँ से पहले आपको मैं व्यूज़ दिखाती हूँ। गंडोला राइड बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो यहाँ से व्यूज़ देखिए आप, फिर देखते हैं कि यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करते हैं। गाइस आई डिसाइडेड टू डू स्किंग हेयर, और मैंने ये जो भैया करवा रहे हैं उन्हें कोई कहा था कि प्लीज़ मेरा थोड़ा वीडियो बना देना, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है मेरा वीडियो शूट करने वाला, तो उन्होंने कुछ खास मेरी वीडियो यहाँ पे बनाई नहीं थी। अब बाकी मैं आपको प्राइसेस बताती हूँ कि ये क्या सीन था यहाँ के प्राइसेस का। प्राइस है वो है 2500 से लेके 3000, कोई 3000 कहता है कोई 2500 कहता है। तो मैंने यहाँ पे उनको कहा कि इतना तो नहीं, मेरा बजट है
बट मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर लेना है, फ़ोटो ज़रूर करवानी है, तो उसके लिए बताओ क्या हो सकता है पॉसिबल। तो सिर्फ एक राउंड के लाइक लिटरली हार्डली 10 सेकेंड का वो राउंड होगा। एंड तो वो शूज़ पहनाए उन्होंने एंड सिर्फ उस एक राउंड के इन्होंने मेरे से लिए 500 रुपीज़। बहुत ही कॉस्टली है, इससे नीचे नहीं मान रहे थे। तो मैंने बट एक्सपीरियंस तो लेना था इतनी दूर आके, तो मैंने फिर 500 रुपीज़ पे करे। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, इतना नहीं होना चाहिए, लाइक इट्स नॉट रियली वर्थ इट ऑनेस्टली, मतलब ये पूरी लूटने वाली बात है। सो गाइस, यहाँ पे स्किंग के एक्चुअल प्राइस ये नहीं है, कहीं आपसे 4,000 भी मांगेंगे, कहीं आपसे 5,000 तक भी मांग सकते हैं, बट ट्रस्ट कीजिए आपको यहाँ पे बारगेनिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो अगर ये जितने प्राइस बोलेंगे उतना आप देने पे आ गए तो पूरा लूटने वाली बात है। तो आप बारगेनिंग ज़रूर करना। एक्चुअल प्राइस जो रहते हैं वो कम से कम 1500 तक है, बट ये आपको डबल ट्रिपल 4 टाइम बोलेंगे, तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, आपको यहाँ पे बहुत मिसगाइड किया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत लाइक बुरी लगी, बट कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, बाकी यहाँ पे जो स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए है जैसे कि ATV राइड, उसके भी प्राइसेस कुछ 1500-2000 तक ही लाए करते हैं। कोई उससे ज़्यादा कहेगा तो प्लीज़ बारगेनिंग कर लेना। बाकी गुलमर्ग में अब मैं देखने जा रही हूँ महाराजा हरि सिंह का पैलेस, बहुत ही फेमस पैलेस है यहाँ पे देखने के लिए। और ये मैंने एक यहाँ पे एक लोकल शेयरिंग टैक्सी ही ली है, तो इन्होंने मेरे को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पे ये पैलेस आ चुका है, देखिए कि ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गुलमर्ग में देखने के लिए। अच्छा, ये पूरा लंबा है इतना, जो इधर है ना वही आगे है। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये जो है ना महाराजा, ये लिखा है महाराजा हरि सिंह, एक्चुअली कश्मीरी सिंह का था ना। अच्छा, ये कश्मीरी नहीं का था, लड़ाई चल रही ना आज तक, महाराजा हरि सिंह। ओके, तो ये इनका पैलेस है, ये इनका अपना ओन प्रॉपर्टी है। ओके, सो ये जो लकड़ी है ये अखरोट की है, दे आर सेइंग। ओके, सो गाइस, ये जो पैलेस हम देख रहे हैं ये पूरे 110 साल पुराना है। एंड ये जो लकड़ी है ये कहते हैं अखरोट की है, मतलब तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है ये ऑफकोर्स। एंड ये जो महाराजा पैलेस है ये भी एक बार देखना तो बनता ही बनता है। जब भी आप गुलमर्ग आओगे, जहाँ हमने एक्टिविटीज़ करी थी गंडोला राइड से नीचे उतर के, वहाँ से हार्डली 1-1.5 किलोमीटर है, तो आप इस तरह यहाँ पर भी आके इंजॉय कर सकते हो। गाइस, अब आपको एक और जगह के बारे में बताती हूँ जो कि है बूटा पथरी। बेसिकली ये गुलमर्ग से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके बारे में क्या हिस्ट्री है आपको मैं आगे जाके बताती हूँ, लेकिन अब इस जगह को विजिट नहीं कर सकते, उसका रीज़न भी आपको बताती हूँ। तो गाइस, मैंने आपको वो जगह दिखाई थी बूटा पथरी, उसका सीन ये है कि वो गुलमर्ग से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड वहाँ से आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का LOC स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। बेसिकली कुछ टाइम पहले, मतलब आई थिंक लास्ट ईयर तक वहाँ पे जाने की परमिशन थी, मतलब आधार कार्ड के बेसिस पे आपको परमिशन मिल जाती थी कि आप वो जगह विजिट कर सकते थे। कहते हैं कि अगर आप वहाँ पे चले जाओ तो आप गुलमर्ग को भूल जाओगे, वो जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। बट अभी जो भैया मेरे साथ थे उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ सीन हो गया है, बेसिकली सीन ये हो गया है कि वहाँ से जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो यहाँ बॉर्डर क्रॉस कर दिया था उन्होंने, एंड कोई सीन हो गया था, मतलब जिसके कारण अब वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं रही। एंड वो जस्ट वैसे तो 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है फ्रॉम गुलमर्ग, एंड वो भी एक बहुत ही अच्छी जगह होती थी देखने के लिए गुलमर्ग में, आप उस प्लेस को भी कवर कर सकते थे। बट अभी हमारे पास परमिशन नहीं थी, बेसिकली किसी के पास भी परमिशन अभी किसी को भी नहीं मिल रही है, तो मैं वो कवर नहीं कर पाई। बाकी गुलमर्ग में मैंने छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी थी वो कवर कर दी। सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट गुलमर्ग, मेरा गुलमर्ग का टूर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी मैं अब जा रही हूँ बैक टू श्रीनगर। सो गाइस, जैसे मैं श्रीनगर से गुलमर्ग आई थी शेयरिंग में, वैसे ही अब मैं वापस जा रही हूँ। पहले मैं जाऊँगी गुलमर्ग से टर्नमर्ग, देन टर्नमर्ग से सीधा हम जाएंगे बटमालू, बटमालू से मैं जाऊँगी अपने हाउस बोट तक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे वापसी जाते हुए भी, शेयरिंग टैक्सी फाइट करने में आराम से मिल गई थी। एंड चार्जेस सेम ही है, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, तो बेसिकली 200 रुपीज़ में मैं श्रीनगर पहुँच गई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। गुलमर्ग का सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा,
आई होप कि आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो. अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना. आई थिंक आई डिज़र्व इट, बहुत मेहनत कर रही है. तो वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो. और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. कल मैं शायद जाऊँगी पहलगाम या फिर सोनमर्ग में से, देखती हूँ क्या जुगाड़ हो सकता है. और श्रीनगर से पहलगाम का और सोनमर्ग का डिस्टेंस मोर देन 100 किलोमीटर है. अभी तक मेरा फाइनल नहीं हुआ कि कल मैं कहाँ जाने वाली हूँ, देखते हैं क्या बनता है. आप बस नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, एंड अगर वीडियो पसंद आई बस लाइक करके जाना. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग.